भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात की बात कहते हैं कि मैंने टीएमसी के 100 विधायकों की लिस्ट देश के गृह मंत्री को सौंप दी है और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जांच की जाए। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, टीएमसी के नेता और विधायक पार्थो चैटर्जी पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं। आप जानते हैं कि उनकी खासम खास अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ रुपए कैश निकला था और अब शुभेंदु अधिकारी पहुंच जाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास ये कहते हुए कि 100 विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जाए। यानी कि दावे के साथ कहा जा सकता है दोस्तों कि टीएमसी के 100 विधायकों पर ईडी इनकम टैक्स की दबिश बस शुरू ही होने वाली है। एक बात पर गौर कीजिएगा, ममता बनर्जी के 200 से ज्यादा विधायक है बंगाल विधानसभा में, मगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रही है कि उन 200 से ज्यादा विधायकों में 100 पर ऐसा दबाव डालो यानी कि यहां पर महाराष्ट्र का इतिहास दोहराया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 विधायक थे उनमें से कई लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे थे और आज ईडी उन सब को भूल चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय उन तमाम विधायकों को भूल चुकी है जो एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो गए हैं। यानी कि दावा किया जा सकता है दोस्तों कि ममता बनर्जी की सरकार के 200 से ज्यादा विधायकों में 100 पर दबिश डालने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये महानुभव मिथुन चक्रवर्ती, इन्होंने भी कुछ ही दिनों पहले कहा था खेला होबे, इन्होंने तो ये तक कहा था कि 38 टीएमसी के विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीभ जोरों से लपलपा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। बड़ा सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर के सामने विपक्ष टिक पाएगा? कहीं इस बुलडोजर के सामने विपक्ष पूरी तरह से निस्तनाबूद तो नहीं हो जाएगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कल क्या हुआ था। नेशनल हेरल्ड के 12 जगहों पर छापे मारे गए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले सोनिया गांधी को लगातार 3 दिन प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया, उनसे पूछताछ की, राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ की गई, 50 घंटे ये पूछताछ चली और उसके बाद अब नेशनल हेरल्ड मामले में जो है रेड मारी गई है, 12 जगह पर सर्च ऑपरेशंस हुए। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि मामला कुछ नहीं है। इससे बस यही पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की पिछलग्गू बनी हुई है और वो उनके लिए काम कर रही है। बकौल सुप्रिया सुने जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ये मामला बनता ही नहीं क्योंकि जिस कंपनी को टारगेट किया जा रहा है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुने, सुनिए। आपकी जानकारी के तौर पर यह बताना जरूरी है कि ये दो कंपनियां यंग इंडिया और AJL, यंग इंडिया एक सेक्शन 25 की कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी है, वहां पर प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके डायरेक्टर्स को ना रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ना प्रॉफिट मिल सकता है, ना डिविडेंड मिल सकता है, वहां से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। AJL एक पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाला न्यूज़पेपर है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का बीजेपी पेंट कर रही है नहीं है। ये दोनों कंपनीज के रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आरओसी पर भी अवेलेबल हैं और तमामों जगहों पर भारत सरकार के पास अवेलेबल है, इनके टैक्स रिटर्न्स, इनके आरओसी के डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 दिन की अध्यक्ष की आपने 3 दिन पूछताछ करी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आपने 5 दिन 50 घंटे पूछताछ करी। तो या तो ईडी बिल्कुल नाकारा है या सत्य सिर्फ एक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। मगर ईडी का कुछ और कहना है दोस्तों। ईडी का कहना है कि जिस कंपनी को बार बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है वो दरअसल नॉन प्रॉफिट है नहीं, उसके जरिए करीब 800 करोड़ रुपए की उगाही हुई है।
कांग्रेस पलटकर यह भी कह रही है कि आप ही ने यानी कि मोदी सरकार ने इस मामले को 2015-16 में बंद कर दिया था, तो फिर इसे शुरू क्यों किया जा रहा है 2019 के बाद। सवाल और इरादे बिल्कुल साफ हैं। लोकसभा चुनावों में 2 साल बच गए दोस्तों, और उससे पहले माहौल इस तरह से बनाया जाए ताकि विपक्ष लगातार इन मामलों में फंसी रहे, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां, सब इसमें कहीं ना कहीं जो है ऑक्यूपाइड रहे। क्या कह रही है सुप्रिया सुनीत, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नव निर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असलियत एक और भी है कि इस देश का असल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, और आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी पाबंदी लगाइए, आप कितने भी छापे मारिए, हम उन दो मुद्दों से देश का, जनता का ध्यान भटकने नहीं देंगे। और देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ही दिनों पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी विचारधारा पर कायम रहे तो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मन में देश के संघीय ढांचे के लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है? क्योंकि ये ना भूलें, अगर हमारे क्षेत्रीय दल बने रहते हैं तभी इस देश का संघीय ढांचा बना रहेगा। हमारे क्षेत्रीय दल हमारे देश की जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं जो राष्ट्रीय दल पूरा नहीं कर पाते। और जेपी नड्डा कहते हैं कि साहब उन्हें ही खत्म कर दिया जाए, क्षेत्रीय दलों को ही खत्म कर दिया जाए अगर हम अपनी विचारधारा पर कायम रहे। ये कैसा राजनीतिक बुलडोजर है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सबको रौंद देना चाहती है। जी हां, हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में इनका पूरा प्रयोग कामयाब रहा, तजुर्बा कामयाब रहा, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, अब तो शिवसेना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हम ये ना भूलें, पश्चिम बंगाल पर दबाव है जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। और फिर आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा में चुनाव जीत गए हैं और वहां भगवंत सिंह मान जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल पर भी अलग अलग मोर्चों से दबाव बनाया जा रहा है। आबकारी नीति के अंतर्गत मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा जाएगा, ईडी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली। और ये ना भूलें कि अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाना चाहते थे मगर उनको जाने नहीं दिया गया। छोटी छोटी बातों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को परेशान किया जा रहा है और अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर दबाव है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया जल्द गिरफ्तार होंगे, यानी कि अब आबकारी नीति के तहत मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसने वाला है। क्यों? क्योंकि साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाना चाहती है और कोशिश की जा रही है कि उसको जितना दबाव में लाया जाए, जितना उस पर अंकुश डाला जाए, जितना उस पर प्रेशर डाला जाए, उतना राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, विपक्ष का कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जिस पर दबाव नहीं बनाया जा रहा। पूरे देश में आप निगाह डालें, क्योंकि आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब सरकार की ऐसी नीतियां सामने उभर कर आती है, जब वो जांच एजेंसीज के तहत विपक्ष पर निशाना साधता है, उन लोगों पर निशाना साधता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं, तब सरकार को कटघरे में रखने के लिए एक जागरूक मीडिया का होना बेहद जरूरी है। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। मीडिया ही इस सरकार के हाथ का सबसे मजबूत हथियार है। इसी मीडिया के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा जा रहा है और मिसाल दी जा रही है। जब आप जुबैर को
इतने लंबे अरसे तक जेल में रखते हैं और उन्हें रिहा करके सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कहता है कि साहब ये कोई मामला नहीं है जिसके अंतर्गत आप उन्हें जेल में डाल दें, इस तरह से उन्हें टारगेट किया जाए। एक फैक्ट चेकर जो समाज के अंदर जो दुष्प्रचार है उसका पर्दाफाश कर रहा है और आपने उसे जेल में डाल दिया, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सिद्दीक कप्पन, जल्द उनके मामले में फैसला सुनाया जाना है दोस्तों, मगर यह अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है कि यह आदमी पिछले एक अरसे से 2 साल से जेल में बंद है। एक पत्रकार जो सिर्फ अपना काम करने गया था उसे आपने आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया। तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल दिया गया है। और ये सब क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसका मकसद है कि अगर हमारे सामने नहीं झुकोगे तो तुम्हारा यही हश्र किया जाएगा, तुम्हें जेल में डाला जाएगा, तुम पर रेड्स मारी जाएंगी, तुम्हारे परिवार तक पर निशाना साधा जाएगा। भूल गए मारियन खान के साथ क्या हुआ था, क्योंकि किन्हीं खास वजहों से भारतीय जनता पार्टी शाहरुख खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं करती तो उनके बेटे पर झूठा केस दर्ज कर दिया जाता है और करीब 30 दिन तक 23 साल का एक नौजवान जेल में रहता है। एक और मैं मिसाल आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बात बॉलीवुड की कर रहा हूं और शाहरुख का जिक्र मैंने किया। आमिर खान की फिल्म आने वाली है लाल सिंह चड्ढा। आप जानते हैं उस फिल्म के रिलीज होने से पहले आमिर खान कि इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है और क्या कहा जा रहा है कि यह हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है। और आमिर खान क्या क्या गुनाह है, आमिर खान का यह गुनाह है कि उन्होंने 2015 में कहा था कि इस देश में जो माहौल है उसको लेकर मेरी पत्नी किरण राव जो कि एक हिंदू है डर गई थी और उस डर के चलते उन्होंने कहा था कि हमें अपने बच्चों को विदेश भेज देना चाहिए। यह आमिर के भी शब्द नहीं थे, उनकी हिंदू पत्नी के शब्द थे, मगर उसके एक बयान के लिए आमिर पर लगातार निशाना साधा गया। और आज 2015 से 2022 7 साल गुजर चुके हैं, 7 साल बाद उनकी लाल सिंह चड्ढा रही है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन आमिर खान ने किया था और उसकी कीमत उस वक्त भी उन्होंने चुकाई थी जब उनकी फिल्म फना को गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया गया। आज इसी तरह से उन पर निशाना साधा जा रहा है। आमिर खान इतने बेबस हो गए हैं, इतने डर गए हैं कि उन्हें बाकायदा यह कहना पड़ रहा है कि भैया मैं इस देश से प्यार करता हूं, मेरे फिल्म को बॉयकॉट मत कीजिए। वो इस प्रचार तंत्र की ताकत के सामने हिल गए हैं। खैर, अच्छा होता आमिर अगर आपने जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह से सीखा होता। और मैं इन दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आमिर पर निशाना साधने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वो एक मुसलमान है। जावेद अख्तर पर भी निशाना साधा गया, नसीरुद्दीन शाह को भी लगातार टारगेट बनाया गया, मगर वो नहीं झुके और वो लगातार अपनी बातें कह रहे हैं। मगर मैं समझ सकता हूं कि आमिर खान की फिल्म के साथ कई लोग जुड़े होते हैं। जो लोग आमिर खान पर निशाना साध रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि आमिर तो सिर्फ एक चेहरा है। उस फिल्म के डायरेक्टर, लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर एक हिंदू हैं, उसकी कास्ट हिंदू है, उसमें काम करने वाले प्रोडक्शन मार्केटिंग तमाम जगहों पर हिंदू हो सकते हैं। यानी कि जब आप एक फिल्म पर निशाना साधते हैं तो उससे जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर निशाना साध रहे हैं। क्या यह बात किसी को समझ नहीं आती है? खैर, आमिर खान का जिक्र करने का मकसद यही था, यही बतलाने के लिए कि किस तरह से इस सरकार के बुलडोजर के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। मैं हिंदू धर्म के उस सिद्धांत पर विश्वास करता हूं दोस्तों, कर्म के सिद्धांत पर। जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। इन शब्दों को मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी याद रख रही होगी कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेंगे। नमस्कार।